कांग्रेस ने इस बारी बजट सैशन के अंदर एक बारी फिर निराशा हाथ लगी है। एक तो इस गल की निखेधी करते हैं कि विपक्ष के बिना उन्होंने ये बजट जड़ा उत्ते पेश किया। बजट पूरी तरह नाल निराशाजनक है और इस बजट के अंदर कोई भी अपने सवालों का आपे भी जवाब देने के अंदर वो सक्षम नहीं है। जिन्हों वादियां नूं लैके उन्होंने पंजाब च सत्ता प्राप्त की सी, चाहे वह किसानों का पूर्ण ऋण माफ़ी का मामला सी, उहदे लई जिहड़ा अमाउंट रख्या वह पर्याप्त नहीं है। उहदे तों ही लगता है कि सरकार जिहड़ी आ किसानों दीआं समस्यां नूं लैके संजीदा नहीं है। नौजवानों नूं घर घर नौकरी देने का वादा सी और नेते कहा सी कि 2500 रुपया जिहड़ा है वह देंगे, लेकिन 3 साल बाद भी सरकार उत्थे ही खड़ी है। उहदे लई कोई योजना नहीं है, कोई प्रबंध नहीं है। और डीए जड़ा सी 22% बचता सी देन वाला मुलाजमान का, वो अंदर 6% का जीरा पाया, ऊंट के मुँह जीरे वाला मामला है। ये सरकार पूरी तरह नाल विफल है। ये ना नौजवानों का ध्यान रखे ने, ना व्यापारियों का, ना किसानों का और ना गरीबों का। और हूँ इन्होंने एक नवी तरीक पाती है कि मोबाइल जोड़े स्मार्टफोन देने हैं जी, वो असं हूँ अप्रैल देंगे। ये सरकार पूरी तरह नाल लगता ही नहीं है कि सरकार हैगी है। इस करके इस बजट तो ने पूरी तरह निराशा पैदा हुई है और मैं लगता है कि ये सरकार सही दिशा